फतेहपुर की छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष धन्यवाद दिया है। दरअसल मिशन शक्ति के चौथे सत्र के शुरू होने पर फतेहपुर पुलिस लाइन से एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस रैली में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने पैदल मार्च करते हुए महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। रैली में भाग लेते इन छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। साथ ही सुरक्षा देने के लिए फतेहपुर पुलिस को भी धन्यवाद कहा। इस रैली को ADG जोन प्रयागराज भानु भास्कर, DMC इंदुमती, SP उदय शंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान छात्राओं ने वो सभी बातें बताई जिनसे महिलाएं और छात्राएं अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर पुलिस से सहयोग ले सकती हैं। जागरूकता रैली में भाग लेने पहुंची कक्षा 9 की छात्रा अवनी सिंह ने कहा, 1090 जैसी सुविधा मिलने से अब हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि एक ही कॉल पर पुलिस हमें तुरंत मदद पहुंचाती है। इसके लिए मैं CM योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हूं। यहां आज हम सभी लोग पुलिस लाइन में एकत्रित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब कभी भी हम अभी अपना खतरा महसूस करते हैं तो हम तुरंत 1090 नंबर में कॉल करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हमें तुरंत सेवाएं दिलाई जाती है, हमें प्राप्त होती है तुरंत सेवाएं। और हम यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा के फेस फोर पे आए हुए हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमें हमारी सरकार हमारे लिए इतना करती है, हम महिलाओं को इतना सुरक्षित महसूस कराती है। धन्यवाद। तो वही अमृता ने बताया कि मुझे मिशन शक्ति के तहत इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मुझे इतनी खुशी है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हम सब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण से का स्टेज 4 जो हो रहा है उसके लिए बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि उन्होंने जो किया है ना, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है कि अगर अब हम किसी रोड पे सुनसान रोड पे अकेले जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें कोई दिक्कत हो तो हम तुरंत 1090 पे फोन कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि वो आगे चल के और भी कुछ करेंगे हमारे लिए। प्राची ने बताया कि पहले अकेले निकलने में डर लगता था, अकेले जाने में भी कहीं डर लगता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, यह विश्वास हमें मोदी और योगी सरकार ने दिया है। मोदी जी ने बहुत महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या, जिसके थ्रू मतलब हमें बहुत सारी हेल्प मिल रही है और हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, लेकिन जब से वो आए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए, हमें बहुत सारे हमारी मतलब अब हम पढ़ लिख भी सकते हैं और मतलब कहीं भी जाने में हम अकेले, पहले लड़कियां डरती थी कि बाहर हम नहीं जा सकते, लेकिन अब हम हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें विश्वास है कि वो आगे चल के हमारे लिए और भी योजनाएं लाएंगे जिसके थ्रू हम और भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो वही कृतिका सिंह ने बताया कि हमें योगी सरकार की ओर से बहुत लाभ मिल रहा है। अब एक काल पर फतेहपुर पुलिस हमारी सहायता करने तुरंत पहुँचती है, इसके लिए हम PM और CM को धन्यवाद देते हैं। योगी सरकार की तरफ से बहुत लाभ मिल रहा है और एक ही कॉल करने पे यहाँ पुलिस तुरंत आ जाती है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं सभी को, और मोदी जी को भी और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।